अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्लर्स का जो सीक्रेट फार्मूला होता है ना, जो वो इंस्टेंट आपको क्रीम, फेयरनेस क्रीम बना के देते हैं कि इंस्टेंट फेयरनेस इससे आएगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्रीम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप अपने घर पर बना सकती हैं। जो मेजर इन्ग्रीडियंट है वो है जो तिब्बत क्रीम। इसको मैं यहाँ पर पूरा यूज़ करूँगी। आपको पता है तिब्बत हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ये जी इस्तेमाल हो रही है डिफरेंट फार्मूलाज बनाने में भी, और इसको एज सच भी यूज़ किया जाता है। क्रीम को बच्चों को भी लगाया जाता है और बड़े भी इसको लगाते हैं। सो ये बहुत एक अच्छी क्रीम है। तो इसके अंदर ही बाकी चीज़ें डाली जाएंगी और आपको एक इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम जो है वह बनकर मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने तिब्बत क्रीम के 2 टेबलस्पून भर कर लिए हैं और उसके अंदर मैं डालूँगी अपने वाइटनिंग कैप्सूल, जो आपको मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। किसी भी आपको शॉप से मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिल जाएंगे, इवन आपको फार्मेसी से भी ये वाइटनिंग कैप्सूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तिब्बत क्रीम के लिए हैं और 2 ही मैं वाइटनिंग कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे ही आप कैप्सूल को कट करोगे तो आपको एक सफ़ेद रंग का वाइट सा जो है लोशन टाइप इसके अंदर मटेरियल मिलेगा और वही आपने इसके अंदर डालना है और अच्छे से आपने इसको एम्प्टी करना है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी विटामिन ई का एक कैप्सूल। 2 टेबलस्पून है यहाँ पे तिब्बत क्रीम के, 2 ही मैंने कैप्सूल्स डाले हैं वाइटनिंग और 1 मैं कैप्सूल डालूँगी विटामिन ई का। ये भी आपको फार्मेसी से या कॉस्मेटिक शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगा, तो मैं वो वाला कैप्सूल इसके अंदर डालूँगी और इसको भी अच्छे से मैं बिल्कुल एम्प्टी करूँगी और फिर इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को थॉरली मैं मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे एक फोमी सा आपको इस तरह से टेक्सचर मिलेगा और यही टेक्सचर हमें चाहिए। और जब आपका ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा, इसका मतलब है अच्छे से क्रीम जो है वो तैयार हो गई है और अच्छे से मिक्सिंग हो गई है सारे इंग्रेडिएंट्स की। फिर आपने इस क्रीम को अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, पाँव पर, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, जहाँ आपको भी फील होता है आपने इसको लगाना है। ये एक्नी, डार्क स्पॉट्स, छाइयाँ, इस तरह के जो भी निशान हैं उनको सबको लाइटन करती है। और इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है और रात को आप लगाकर सो सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसको सोने से पहले वॉश कर लें। लाइक इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे चेहरे पे लगे रहने दें और फिर आप अपना चेहरे को वॉश कर लें और पैड ड्राई करें और फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं रूटीन में वो लगाएं या सीरम जो आप अप्लाई करते हैं वो लगाएं और फिर आप सो जाएं। इंशाल्लाह आप जब सुबह उठेंगे आपको पहली एप्लीकेशन के साथ ही इसके रिजल्ट्स वाजिया नज़र आएंगे और आप अमेज हो जाएंगे। इसीलिए तो इसका नाम इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम है। ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस देगी। आप भी कम से कम हफ्ता यूज़ करें और उसके बाद क्विट कर दें और उसके बाद फिर अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस क्रीम को बनाएं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरी तिब्बत क्रीम की ये क्रीम बनाना चाहते हैं तो आपने पूरी तिब्बत क्रीम अच्छे से खाली कर लेनी है और उसके अंदर इन टोटल आपके जाएंगे 5 वाइटनिंग कैप्सूल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 पहले यूज़ कर चुकी हूँ और अब 3 मैं वाइटनिंग कैप्सूल्स इसके अंदर डालूँगी और अब इसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स जाएंगे। और कैप्सूल्स डालने के बाद फिर से थोरली मिक्स करूँगी मैं और ये देखिए फोमी सा टेक्सचर आ गया है। अब इस सारी क्रीम को मैं तिब्बत क्रीम के अंदर डाल के अच्छे से जो है लिड को एयर टाइट कर दूँगी ताकि मेरी क्रीम ख़राब नहीं हो। जी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।